नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला अपराध जगत की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में शिवगढ़ थाना इलाके के कंधईपुर बाजार में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बगल आन रोड पर जमीन कब्जा करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने दोनों पक्षों को पैमाइश के बाद घर बनाने का निर्देश दिया। अमेठी कोतवाली के कस्बा इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में रेडीमेड कपड़े और बर्तन की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का कपड़ा बर्तन जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम से व्यापारियों में काफी आक्रोश है। अमेठी के मुसाफिरखाना कोतवाली इलाके के दादरा गांव में अज्ञात कारणों से तीन घरों में आग लग गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। आग में लाखों रुपए की गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। अमेठी के मुंशीगंज थाना के कटरा महारानी में मूर्ति विसर्जन देखने आए युवक पर पड़ोसियों ने लाठी डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे युवक विवेक वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। अमेठी में गौरीगंज कोतवाली इलाके के कस्बे में ठेले पर जलेबी समोसा बना रहे दुकानदार का सिलेंडर में अचानक आग लगी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर बरेली की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे चालक की मौके पर मौत हो गई और ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। बरेली में मीरगंज क्षेत्राधिकारी कार्यालय के बाहर परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मीरगंज सीओ गौरव सिंह ने बताया कि पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालौन में रेंडर थाना के ग्राम पजुनिया में दो गांव के बीच लगे बिजली की लाइन को जिला बदर आपराधिक खंभे सहित उखाड़ कर उठा ले गए, जिससे गाँव वालों में काफी आक्रोश है। जालौन एसओजी सर्विलांस टीम के साथ थाना आटा और थाना कदौरा पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए एक अभियुक्त को चोरी की 14 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार करते हुए न्यायालय रवाना किया। जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने कार्यालय उरई में जन सुनवाई करते हुए आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण समय से निस्तारण के लिए मातहत अधिकारियों को निर्देशित किया। जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोतवाली कालपी में पैदल गश्त करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई घटना के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सरफराज उर्फ रिंकू मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू फहीम मोहम्मद अफजल उर्फ कल्लू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। बहराइच में थाना मोतीपुर पुलिस टीम ने 45 पाउच अवैध देसी शराब के साथ अभियुक्त हरिपाल लोनिया को गिरफ्तार करते हुए आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज किया है। बहराइच में थाना दरगाह शरीफ पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी वारंटी अभियुक्त मोहम्मद अरशद को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय रवाना किया है। बहराइच में थाना रिसिया पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी वारंटी अभियुक्त राम विजय चौहान को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के सामने पेश किया है। मेरठ के एसएसपी ऑफिस पहुंचकर महिला ने अपने पति फौजी के खिलाफ धोखा देकर तीन महिलाओं से और शादी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित महिला शीला सिंह हैदराबाद की रहने वाली बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी के नीम गांव थाना इलाके के किशनपुर गांव के पास अज्ञात व्यक्ति को बाइक सवार तीन बदमाशों ने लूट लिया। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को गोली मारकर मौके से फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि युवक अपनी पत्नी के साथ ससुराल जा रहा था। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन खबरों को आप यूट्यूब पर देख रहे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।